पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र दिया और पति पति तेरा है नहीं, तो निराकार है, तो वह बता के गड्ढे की वहां पर वह क्या करेगी निराकार पति का। तो अब हम परमात्मा से मिलने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है, और ये राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ सिरसा वाले, डेरे वाले, सच्चा सौदे वाले, और जय गुरुदेव वाले, और ये दनोद वाले, भिवानी वाले, ये राधा स्वामी पंथ समझो सारा ही। और इनका विधान है कि सतलोक में भगवान नहीं, सतपुरुष नहीं है, वहां तो चेतन ही चेतन है, चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उस प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जाकर जैसे बूंद समुद्र में, वो तो डूब के मरना हो गया, फिर कोई बात हुई है। तो ये विधान है, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए इन अज्ञानियों ने, शास्त्र विरुद्ध साधना करा के काल के जाल में फंसा दिए। अब कहें तो दुख मानते हैं श्रद्धालु भी के रामपाल तो आलोचना करता है, आलोचना की परिभाषा बदल ली तुमने ज्ञान के कारण, सत कहना आलोचना नहीं होती, वह सत होती है, आलोचना होती है किसी के बारे में झूठी बकवाद करे। हम तो विद प्रमाण बोलते हैं, आप ही के पुस्तकों से दिखाते हैं, ये देखो दुर्गति हो रही तुम्हारी परम धनी शिवदयाल की, भूत बनकर अपनी शिष्य बुक्की में फिर शंका समाधान करने लग रहा बैठ के। वो कहते हो तो अनामी लोक में चला गया, अनामी लोक में कहाँ गया, तो बुक्की लोक में आ गया। अब यहाँ क्या बताते हैं, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कह रहे हैं कि एक दास बन के है, दास बन के आए भगवान, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, उतरे सतलोक से चल के आए, और किस उद्देश्य से, जीव उदाहरण जगत गुरु, और कहते हैं बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं इस परमात्मा के ऊपर जो किसे दयालु हैं, कैसे दयालु हैं, सतलोक से इतने सुंदर लोक को छोड़कर हमारे लिए यहां आते इस गंदे लोक में जहां पर आहार भी उपलब्ध नहीं ढंग का, और दास बनकाए कबीर दास, कबीर दास सांस गेल जितनी वाणी बोली, कबीर दास दास कबीर परमात्मा। जब क्यों उन्होंने दास कहा कि हमने भी यदि सतलोक पाना है तो ऐसे ही अपनी क्रियाएं बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई भी जिसने अपने आप को स्वामी माना है वो पेटे हैं अंत में, किसी राजा को देख लो, इन हिरण्यकशिपु को देख लो, और रावण को देख लो, भक्ति करें और साथ बकवाद नहीं चलेगी। अब रावण जैसी साधना कोई नहीं कर सकता, यहाँ से धड़ काट कर चढ़ा दी भगवान के निमित्त समर्पित कर दिया, लेकिन कुठोड़ कुपात्र के स्थान कुपात्र को दे दिया, वो शीश सुपात्र को देता तो लाभ होता। शिव की उपासना तमोगुण की करके राक्षस कहलाया, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, तीनों गुणों की उपासक रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख वो मेरी भक्ति भी नहीं करते, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इस प्रकार ये भक्ति भी करते थे, दास नहीं बने, तो अंत में क्या हुआ इनके साथ। तो यहाँ क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे और इस पृथ्वी के माँ, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जा, अपने प्यारी आत्माओं का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, जगत गुरु यानी सबका गुरु, सबको तत्व ज्ञान देने वाला केवल एकमात्र कबीर जी हैं, और वही परमात्मा है।
अब फिर बताते हैं वो कहाँ आए, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, अदर अधार यानी ऊपर तो नीचे आए, मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। मोमिन यानी उस नीरू नामक मुसलमान जुलाहे को परमात्मा ने जंगल में दर्शन दिए लहर तारा तालाब पर। अब उस परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था, कोट कर्ण शशि भान सुद आसन अदर विमाने, प्रसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। अब परमात्मा का कहते हैं ऊपर आसन अधर विमान, सतलोक में तो उस परमात्मा का ऐसा शरीर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसी शोभा है, कोट किरण शशि भाने सुद, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, कोट किरण शशि भाने सुद वो आसन अधर विमाने। और वही परमात्मा फिर कहते हैं बालक रूप में, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं माई का नीरू ने जब परमात्मा को सीने से लगाया, कहते हैं उसके प्राण आत्मा में एकदम शांति छा गई, जैसे जले हुए पर बर्फ रख दी जाती है, एकदम शांत कर देता है। फिर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दम कह पद्म अनंत। उस माई ने शिशु रूपधारी बालक को कहते हैं मुंह चूमा, गोद में लिया, और परमात्मा का कैसा रूप था, हेम रूप झलकंत, हिम हिम माने बर्फ। और परमात्मा कबीर जी बालक रूप में कैसा सुंदर शरीर था, कहते बर्फ जैसा सफेद शरीर, जैसे कोई कपड़ा लेने जाते थे ना दुकान पर तो यूं कहा करते, भाई स्नो वाइट कलर देना, स्नो वाइट माने बर्फ जैसी सफेदी वाला। तो वहां यहां कहते हैं गोद लिया मुख चूम के और हेम रूप जलकंत, हिम की तरह झलक रहे थे परमात्मा, और जगर मगर काया करे जैसे दम कह पद्म अनंत, इतना सुंदर शरीर मालिक है ना, जगमग जगमग काया करे जैसे नरे पदम चमक रहे हों, इतना सुंदर नूर था दाता। फिर ये सारा रूप दिखा के फिर बालक के रूप में हो गए। अब नीरू स्नान करके बाहर आया और नीमा उस बालक के प्यार में इतनी मदहोश हो गई थी, वो सब शुद्ध बिसरा बैठी थी, बार बार कभी ऊपर को देख रही थी, कभी बालक के मुख को देख कर सो सो शुक्र मना रही थी, गद गद हो रही थी और झूम रही थी। अब उसने देखा कि नीरू ने अपना आइडिया लगाया कि पहले हम हिंदू थे, हमें बाई फोर्स मुसलमान बना दिया, अब हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में ऐसी अभी कोई हमारी पकड़ नहीं, अब हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, लोग कहेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर, लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक विराजमान हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहे हैं, और कहेंगे पूछेंगे इनका माता पिता कौन है, उसके वापस देकर आओ, हमें पीटेंगे छेतेंगे, हमें घर से बाहर निकाल देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे, अनाथालय में दे देंगे। गुणात्माओं परमात्मा के मार्ग में यदि आपने कदम रखना है तो इसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए, जैसे क्योंकि बगैर ज्ञान के व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, वो रुक ही नहीं सकता, भगवान ने पृथ्वी रोक रखी बगैर किसी स्तंभ के, बगैर किसी सपोर्ट के, और ये घूम रही है खुद भी और वैसे भी घूम रही है ऐसे, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। फिर भी आपको एक उदाहरण बताते हैं, इस दास को क्रोथा कांड के झूठे केस में जेल में कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। वहां पर एक कर्मचारी था यानी वार्डन था, उस जिस वार्ड में मुझे रखा हुआ था, तो वो आते थे, चर्चा करते थे, पूछते थे महाराज कारण क्या हुआ, सब उनको सच्चाई बताते थे, वो भी परिचित हुए सच्चाई से, एक सचमुच आपके साथ तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, हम भी अब बहुत महसूस कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान चर्चा होती थी तो हमने कहा कबीर इज गॉड, ऐसे ऐसे वो अवतरित हुए कमल के फूल पर आए,
तो उससे पहले वही वार्डन, वो पुलिस वाला कह रहा था, 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी, कहने लगे जी हमारा एक मित्र है पुलिस वाला, उसके घर पे एक बथुआ है, बथुआ, बथुए का पौधा आपने देखा होगा, 1.5-2 फुट का होता मैक्सिमम, हमने तो इससे बड़ा देखा नहीं था। वो बता रहा है कि बथुए का पौधा 10 फुट ऊंचा है, 10-11 फुट, और नीचे से उसका पेड़ जो है तना लगभग 3-4 इंच मोटा है, और वो सदाबहार है, यानी पूरे वर्ष वो हरा भरा रहता है, उसके पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। अब हमने तो अविश्वास हुआ नहीं, भी होगा, हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। अब फिर एक दिन ये चर्चा चली जब इस दास के साथ के भाई परमात्मा कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, तो यहां आकर वो अड़ गया। बोला जी यह बात नहीं समझ में आती आपकी, और सारी मान लेंगे, लेकिन कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता, वो तो बिल्कुल पत्ते से होते। मेरे फिर वह बात याद आएगी, मैं कहने लगा भगत एक बात बताओ, आप परसों बता रहे थे कि आपके एक मित्र के घर पर एक बथुआ है और वो 3-4 इंच मोटा उसका तना है और 10 फुट ऊंचा लंबा है, ये संभव हो सकती है? कभी देखा तने? हमने 2 फुट से ऊपर कदम बथुआ देखा नहीं, हम किसान परिवार में जन्म हमारा, और आप ये कह रहे हो कैसा था हम, वो भी मान रहे हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसकी बुद्धि सेट होगी तुरंत। जब एक 10 फुट का बथुआ हो सकता है तो क्या कमल का फूल इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जिस पर बालक लौट जा? तुरंत मान गया, ने बोला जी हो सकता है, 100 बार हो सकता है, न्यू पे चल रहे थे हम, आप पे कह रहा है ऐसा बथुआ देखा, जब मैं न्यू को नहीं मान सकता, मैं वो तो बथुआ इससे ऊपर होता ही नहीं, तो वो मान गया। तो पुणात्मा ऐसे हमने सद्यातम मार्ग को समझना है, इसमें इम्पॉसिबल नहीं होता कुछ भी। एक उदाहरण बताते हैं, कबीर परमात्मा का एक साधक था। हम कैसे साधक हैं, हम भगवान के ज्ञान को अवश्य सुनते हैं लेकिन मनमुखी तुरंत हो जाते हैं। अब वो साधक घर छोड़कर जंगल में पहाड़ पर जाकर बैठ गया और वहां दिन रात भक्ति कर रहा था, साधना करता था। एक दिन वो क्या करता था, वहां से नीचे उतरकर आता था, एक सरोवर था नीचे, थोड़ा पहाड़ से नीचे की तरफ, पहाड़ी पर ही था, बना हुआ था, लेकिन वो और ऊंची पहाड़ी पर रहता था, वहां आकर स्नान करता था और जल भर ले जाता था अपना करमंडल में। एक दिन वो बीमार हो गया, इतना असहाय हो गया कि वो स्नान करने मुंह धो नहीं सकता था, और मुंह धोए बिना वो भगवान नहीं बच सकता था, इस तरह की अपनी अटकल बना रहा था। तो वो रोने लग गया बहुत बुरी तरह, हे भगवान मैं मुंह धोऊंगा कैसे, मुंह धो नहीं सकता, आपको याद कैसे करूंगा, ऐसे तड़प कर रहा था। अब कहते हैं दारी मेरे संत की मोह से मिटे नी अंश। अब उसके लिए परमात्मा ने क्या किया, इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, कम से कम 200-400 फुट ऊंचा, और फिर वो जल उस पहाड़ी के निकट पहुंचा जहां वो संत बैठा था, इतना निकट कर दिया वो जल के उसने ऐसे देखा, अरे जल यहां आ गया, अरे वर्षा इतनी अच्छी होगी, और उसने फिर मुंह धोया, मुंह धो के पानी पिया, फिर उसने देखा कि ये तो सब कुछ नाश हो गया, प्रलय होगी, फिर उसको आकाशवाणी हुई कि तेरे लिए ये करना पड़ा मुझे, तब रोन लग गया, हे भगवान मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, सारी जनता मर गई मालिक। कहते उसी एक्शन एज इट इज कर दिया, जो कह तू एज इट इज, जैसे जो जहां काम कर रहा था एज इट इज, कलम पकड़ थी तो कलम में पकड़ा बैठा वहां पर। तो यहां के बारे में कहते हैं, मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं अक्षवेत। परमात्मा एक सेकंड के कुछ क्षण में भी पूरी पृथ्वी पर जल ही जल विनाश कर सकता है, और दूसरे अक्षर में जो का तू आपको जैसे यहां बैठे हो ऐसा ही बैठा दे, आपका याद भी ना हो मेरे गल बनी थी क्या।
इतना सामर्थ्य परमात्मा में है, और हम इन अनाड़ियों के कारण, अज्ञानता के कारण, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के कारण परमेश्वरीय लाभ से वंचित रहने से हम ये सोच बैठे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अगर मगर जो है ये हमारे भक्ति मार्ग को समझने में बहुत बड़ी बाधा है। परमात्मा के मार्ग में कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। एक कथा सुनाता हूं। इस दास को जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब ऐसे ही कोई जैसा भी कोई ज्ञान देता उसको उसका सच्चाई लगता था। मैं हमारे घर पे हमारे किराए के ऊपर एक आर्य समाज का एक व्यक्ति रहता था, वो टीचर था, वो शास्त्री बताता था अपने आप को, और बहुत अच्छी नेक आत्मा था, बोलन बतलान का स्वभाव ठीक था उसका। तो फिर मुझे उपदेश प्राप्त हो गया। पहले जब हम चर्चा करते थे उससे तो वो कुछ भी कह देता था, उसकी बात को मानते थे। वो महर्षि दयानंद का पुजारी था। जब दास को ये ज्ञान हुआ सन 1988 में नाम प्राप्त हुआ, तो 1989 में एक वर्ष बाद दास ने क्या सोचा कि ये भक्ति बोध जो आपको देते हैं मंत्र, ये नित्यनेम करण की पुस्तक, ये छपवाई इस दास ने, कुछ पुस्तक छपवाई 2000 या जैसा भी, और वो छपवाई इसलिए थी कि गुरुदेव को दे देंगे और वो भक्तों को आगे फल बांटते हैं। अब वो जब उस जब ऊपर एक हमने पूजा सतल बनाया था 15x5.5 का गैलरी के ऊपर अलग से सेपरेट बना था, उसमें खिड़कियां लगाई थी, एक शीशा टूटा हुआ था, उन खिड़कियों के बाहर की साइड में लोहे की जाली लगानी थी, ये मच्छरों से बचाने की होती है ना जालियां, लोहे की जाली। तो ये दास से उसका साइज नाप के ले गया, वो थी चौड़ाई तो थी 2 फुट 8 इंच, ऊंचाई थी 4 फुट। अब 2 फुट 8 इंच मैंने ऐसे 2 और फिर 10 ला के 8 इंच के ऊपर 2 डैश ला के अपनी इस इंजीनियरिंग भाषा में लिख रखी थी, वो तो आम आदमी भी ऐसे लिखता है। तो वो जाकर के मैंने एक लोहे वाले दुकानदार से दे दी कि भाई ये जाली तैयार कर दे इस साइज की, मैं कुछ और सामान ले आता हूँ। स्कूटर ले रखा था मैंने छोटा, 2-व्हीलर मोटरसाइकिल टाइप, मैं सामान आगे से कुछ और लेकर आया तो उन्होंने, उसके नौकर ने वो जाली काट के पैक करके रखी, उसकी पेमेंट करके दास चल पड़ा। घर पे आया, बड़ा लड़का छोटी उम्र का था, 13-14 वर्ष का होगा, और एक और किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का था वो। उनसे कहा कि भाई तुम दोनों जने ऐसे करो ये जाली लगा दो, उसमें सिर्फ लगा के कील ठोकनी थी और कुछ नहीं करना था। तो वो दोनों लगाने लगे, वो जाली लगाने लगे तो वो चौड़ाई में छोटी थी 8 इंच, उसके काटने में फर्क रह गया, धोखे से उसने 2 फुट 8 इंच की बजाय 2 फुट काट दी और ऊंचाई से ही काट दी। उन्होंने मुझे बताया, लड़के ने भी उसने दोनों ने कह जी ये जाली तो छोटी है। मैं भी छोटी कैसे हो सकती है, मैं नाप के देख रहा हूँ, नाप मेरे सामने उन लगा के दिखाई 8 इंच छोटी, फिर मैंने ऐसे करके देखा, मैं कर दे दूसरी तरफ चला दी वो, यूं तो फिर और ज्यादा अंतर था। दूसरी फिर देखा, दूसरी भी ऐसी। अब वहां जहां मकान बना रखा था शहर वहां से काफी दूर था, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, मैंने सोचा फिर देखेंगे, अब समय नहीं है। सुबह उठकर जल्दी अपनी ड्यूटी पर चला गया, उन्होंने पीछे से उठा के वह स्टोर में फेंक दी, उनकी मां ने जाली। अब फिर ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, पुस्तक छपवाई भक्ति बोध, और वो ऊपर रख दी उस पूजा स्थल में तकत के ऊपर। कुछ दिन के बाद क्या देखा कि शीशा फूटा हुआ था खिड़की एक साइड का, उसमें से चूहे घुस के उनको काटना शुरू कर रखा। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि वो जाली जो 2 थी उन दोनों को एक पर लगा देते हैं फिलहाल, फिर देखेंगे। कुछ समय नहीं था, कुछ ऐसा लीला मालिक की थी, यो खेल खेलना था इस दास के साथ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो जाली जो छोटी थी अकां जी वो ऊपर
रखी है स्टोर से निकाल के, इन दोनों को ऊपर ओवरलैप करके एक खिड़की को कवर कर दो, इसमें से चूहे घुसते हैं। और पुस्तक काट दी भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं चला गया अपनी ड्यूटी पर, तो शाम को मुझे चिंता थी कि नहीं लगा रखी होगी तो बच्चों से लगवाऊंगा। तो क्या देखा कि एक जाली लगा रखी है, एक जाली नीचे पड़ी है। अब मैंने देखा कि वो एक ही जाली पूरी पूरी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा लटक रही है। मैंने उनकी मां से पूछा कि ये जाली वही है या कोई और चेंज करवा लाए बच्चे। उसने कहा जी मैं सुबह से इसको कह रही थी भाई तू लगा दे, इस जाली को लगा लो, तेरा पापा फिर नाराज होगा। और ये मां नीरा था खेलन चला गया, अब आया था 20 मिनट पहले और मैंने उतार के अभी दी थी इनको। वही किराएदार जो अनिल नाम था उसका, बिहार का रहने वाला था, उन दोनों ने सीढ़ी लगा करके वो एक साइड में लगा दी थी और वो एक लादी एक पड़ी। मैंने कहा ये जाली तो छोटी थी, अब उनका ध्यान नहीं इतना, और मेरा कलेजा पकड़ लिया। मैंने कहा बच्चा कहाँ है, वो बुलाया, दोनों इकट्ठे करे कि भी सच्ची बताओ। मैंने लड़के से कहा मेरे सिर पर हाथ रख के और कबीर साहब की कसम खा बेटा कि तू और नहीं लाए जाली। अगर नहीं पापा अभी मेरी मान उतार के नीचे डाली है, अरे ने पूछ लो अभी लगाई हमने। फिर मैं उनको याद दिलाया कि ये छोटी थी जब तुम पहले लगा रहे थे, साल भर पहले, 8-9 महीने पहले, कहा ये छोटी थी, बिल्कुल छोटी। दोनों को याद आ गया, अरे ये कैसे पूरी होगी हमने नहीं पता। एक ये पड़ी, उनको जंग लगा हुआ थोड़ा थोड़ा, एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया था उसका, वर्षा का मौसम भी ऊपर का उतर चुका था। अपुनात्मा हो वो दिन है राज, ये दृढ़ हो गया इस दास को कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। हमने सुना था द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, परमात्मा ने दास की लोहे की जाली बढ़ा दी। ये कबीर परमेश्वर है जिसने लोहे की जाली को भी बढ़ा दिया इस दास को दृढ़ करने के लिए। अब दूसरी फिर उठाकर देखी, दूसरे पर लगाई हुआ, उस पर पूरी आ गई, पूरी के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा नू लटक रही है। अभी तक थी वो, अब तो पता नहीं उतार दी होगी। ये सन 1989-90 की बात है। अपुनात्माओं उस दिन के बाद इस दास का जीवन बदल गया कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। अब उसके बाद उस आर्य समाज के उस दानंद के चेले तो बात हुई, शास्त्री था वो। मैंने ये सोचा कि देख कितना अच्छी आत्मा का आदमी, हर कित फंस रहा है। उससे जब चर्चा होती थी पहले कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, हम तो भगवान कृष्ण ने माना थे, श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया, तो वो कहा करता कि ये सब बकवाद है, ये कभी हो सकता है, अब बढ़ा के दिखाओ कोई मुझे। वो तो वैसे श्री कृष्ण तगड़े थे, सूरवीर थे, जाकर धमका दिया होगा, खबरदार छोड़ दे उस लड़की ने, चीर बढ़ा करें कदे, तो हम ये भी मान लेते चल ऐसा हो गया होगा पहले। और जिस दिन से ये मालिक ने अद्दा बख्शी, हम कैसे माने उस मूर्ख की इस बात को। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको समझाऊं अच्छी आत्मा का, शायद ये बात मान ले, क्योंकि पहले वो हर तरह एक बिल्कुल अच्छा आदमी लग गया था, बोलन में, बतलान में, विनम्र भाव में, और अच्छी सुलझी हुई बात किया करता था। मैंने सोचा कि इसका कल्याण हो जाए, बता दूं। मैंने उसको प्रार्थना की, अपने वहां बुलाया, अलग बैठक थी, और उसे चर्चा की, क्या आप मानते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था भगवान ने। बोला नहीं, ये कैसी बातें करते हो आप, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी देखो वो तो चलो पुरानी बात होली, हुआ या ना हुआ, लेकिन मेरे सामने हो गया, ये मेरी लोहे की जाली बढ़ गई और 8 और 6 14 इंच बढ़ गई है लोहे की जाली। ने बोला मैं नहीं मानता। मैंने उनकी बच्चों की माँ बुला ली, वो दोनों बच्चे बुला लिए कि बताओ भाई कैसे हुआ। उन्होंने सारी बता दी, सच्चाई ऐसे हुआ। ने बोला मैं नहीं मानता, अब करके दिखाओ। अब बताओ भाई कौन समझाओ सनाडी ने। मैं चुप हो गया भाई, तो मैं और लाल आंख होगी कुत्ती, कहते इतना शरीफ दिखा था और कुत्ती बहुत ज्यादा
यानी क्रोधित सा हो गया। हमने सोचा भाई क्यों ये लड़ पड़ेगा, चुप हो गया। मैं नहीं बोला फिर, मैं इस बुद्धू ने भी क्या बताऊंगा, आम चार पांच जने गवाही दे रहे हैं, हर यू एक उस अज्ञानी मैं इसी की बात पड़ा बैठा है। उसने ये देखा कि भाई ये कुछ महसूस कर गया, बोला नहीं, मैं बोला नहीं फिर के बोलो प्रसूत है, मैं चुप हो गया। उसने सोचा भाई जैसा भी उसके मन में आया, फिर वो बोला देखो आप इंजीनियर हो, एजुकेटेड हो, कोई मूर्खों को तो बहका भी दे ऐसी बातें कर दे, आप कैसी बातें कर रहे हो। देखो मैं बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। एक बार महर्षि दानंद योग अभ्यास कर रहा था एक बंद कमरे में आसन पदम लगा के, और वो जमीन से ऐसे उठता था और छत के सिर लगा के वापस आ जाता था, ऐसे कर रहा था। रसोईया गया भोजन के लिए प्रार्थना करने, उसने झांकी से देखा, खिड़की से देखा, महर्षि दानंद ऐसे जा रहा था, ऊपर छत्र के सिर लगा के वापस आ रहा था। उसने औरों को बुलाकर दिखाया, देखा ऐसे होते महर्षि। मैं बोला झूठ, कति झूठ, तू करके देखा। मैं बोला अब करके दिखा, ओड्डे के मुंह हो गया, नहीं हो गया तू गणा स्याणा बना दिया कबीर पंथिया ने, वो पहले वाला रामपाल ना रहा, मैं पहले वाला ना रहा, मैं तारे मूर्खा ही सारी बात मान्या करता, मेरी आंखें के साथ भी तेरी तू अभी उसी घेसी पेटी बातों को बोल रहा है। तो पुणात्मा परमात्मा के मार्ग में अविश्वास नहीं होना चाहिए। एक दो साधक थे, एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बुढ़ी बुढ़ी दाढ़ी बुढ़ा रखी बैठक पति परमात्मा प्राप्त दिखाई दे था। एक 4 वर्ष से साधना प्रारंभ की थी, नौजवान बच्चा था। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, उन दोनों से मिलता था घंटों भगवान की बातें चर्चा करके, दोनों से वो रहते थे अलग अलग, एक इधर एक दूसरी पश्चिम में एक पूर्व में गांव के नगर के, दोनों के पास चर्चा करके जाता था। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आपके दो भक्त बड़े अटल हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विष्णु जी ने देखा ध्यान दृष्टि से, कहा कि नहीं उनमें से एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, वो ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है, अके नहीं जो बहुत पुराना लगा हुआ है वो भक्त नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। देवदूत को ये समस्या आ गई कि शायद भगवान ने समझा नहीं होगा ढंग से। कहने लगा जी इधर पूर्व की साइड में बैठा है ना, वो दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, बड़ा वो है, 40 वर्ष से लगा हुआ आपका पक्का भगत है। कहने लगे वही तो भगत नहीं है, भगवान बोले। अब वो देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, मालिक के मुंह का नहीं, भाई कैसे बोल रहे हैं परमात्मा। तो विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत ने कहा भगवान ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात अविश्वसनीय हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, ये काम ना कर रही। तब विष्णु जी ने कहा कि आज तू थोड़ा सा देर से मिलने जाना उनको, और वो कारण पूछे तो उनको ये बताना। ठीक है, वो सबसे पहले गया तो उससे के पास जिसने सही भगत माना था, 40 वर्ष से भक्ति कर रहा था, उसके पास गया तो उसने पूछा उस बड़े भगत ने कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, 2-3 घंटे लेट आए, क्या बात होगी, स्वस्थ तो हो। तो देवदूत ने कहा कि भगत क्या बताऊं, आज तो भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, परमात्मा ने दिन के 1 बजे और एक अनहोनी लीला करनी थी, उसको देखने के लिए रुका रहा मैं। क्या करनी थी कि एक हाथी को और सुई के उस सुराख से निकालना था, सुई के सुराख से निकालना था, धागा डालने का सुराख होता सुई, उसमें से हाथी निकालना था, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। उस 40 वर्ष वाले साधक ने पूछा फिर क्या हुआ कि भगवान ने सचमुच हाथी को सुई के धागा डालने वाले सुराख में के निकाल दिया।
वो क्या कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल किसे गए जच जा, ऐसी बकवाद नहीं करा करते, ये कभी हो सकता है? अब देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, डांगर बोल की है दिखे ऐसा भगत, इसमें विश्वास नहीं भगवान का। वो तो उठ कर चल पड़ा, भाई भगवान ठीक कह रहे थे, ये तो नरा पशु है, खाम खांडले ढो रहा है, जब इसने नया विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर सकता, फिर क्या फायदा इस भगत का। अब उठ के गया वो चार वर्ष वाले के पास, उसने तो वहां तो सोचा था कि यू तोर के मैं एंड बैंड बोलेगा, जब मैंने यू जिक्र कर दिया था। अब उसने भी यही प्रश्न किया कि देवदूत आप की इंतजार कर रहा था, पलक बिछाए बैठा था, आएंगे आप आते हो, चर्चा हो जाती है परमात्मा की, दिल लगता है, आज आप बहुत देर कर दी, मैंने सोचा था आज नहीं आएंगे, आज का दिन तो हमारा व्यर्थ हुआ, क्या कारण है देवदूत इतना देरी करने का? उसने फिर यही बताया कि दिन के 1 बजे परमात्मा ने एक लीला करनी थी, और भाई कमाल कर दिया भगवान ने, तो हद कर दी कि सुई की सुराख के अंदर से हाथी निकाल दिया, वे अचरज कर दिया। अब वो कहता है कि ये के अचरज है देवदूत, भगवान निकाल दे पूरी पृथ्वी ने सुई की नोक में, गए भगवान क्या नहीं कर सकता। तब उसने देवदूत ने उस 4 वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया और कहा धन है तेरे मात पिता जिससे जन्म हुआ, तू है भाई सच्चा भगत, भगवान ठीक कह रहे थे, तू एक नंबर का भगत है, जिसमें विश्वास नहीं भगवान का। और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने जब मन में नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का, परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवार है, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरु दे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार, ये कबीर परमात्मा जी हैं, और ये वो मालिक हैं जो बनारस में काशी शहर में सहशरीर आए थे, एक कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए थे, वहां से नीरू नीमा एक जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें परमात्मा के विषय में अध्यात्म मार्ग का ABC का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। हमने परमात्मा जरूर सुना था, पर कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कैसे वो मिलता है, कहाँ रहता है, ये जानकारी हमें कभी किसी ने नहीं दी। उस जानकारी को देने के लिए, उस ज्ञान को बताने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं। वो स्वयं अपनी समर्थता से यहाँ पर स्थान बनाते हैं, नहीं तो ये कालबलि सबको भ्रमित कर देता है। ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के लोक हैं, हम एक लोक में एक ब्रह्मांड में रह रहे हैं, काल के 21 ब्रह्मांड हैं, काल के लोक में 21 ब्रह्मांड आते हैं, और एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं। इसमें 3 तो विभागीय मंत्री हैं इस काल भगवान के, श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी तमोगुण विभाग के, और ये केवल 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर, और ये स्वयं एक मुख्यमंत्री का रोल प्रत्येक ब्रह्मांड में करता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो इस काल के लोक में चलकर आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं और हमें उस तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर जितने भी महान आत्मा यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जनता को कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की है, तो उस काल ने उनको अपने कब्जे में कर लिया,
और उनके माध्यम से, क्योंकि वो पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं, उनके माध्यम से ये अपना अड़ंगा ज्ञान जनता में बटवा देता है, सबको मिसगाइड करवा देता है। और उन पुण्यात्माओं के पिछले जन्म जन्मांतर के चार पुण्य होते हैं, उनके आधार से उनकी वचन में भी शक्ति होती है, कुछ एक सिद्धियां भी उसमें विद्यमान होती हैं, उनकी कुछ दिव्य दृष्टि भी काम करती रहती है, वो भविष्य भूत का थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इससे प्रभावित होकर के जनता उनको परम धनी और परम संत मानकर चिपक जाती है। वो होते हैं काल के प्रेरित, काल के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, और वो फिर अपना जीवन भी नष्ट कर जाते हैं और करोड़ों और पुण्यात्माओं श्रद्धालुओं को जो उनकी शरण में आते हैं काल के जाल में ठोक जाते हैं। परमात्मा कबीर जी जब प्रथम सतयुग में आने लगे थे यहां पर, उस समय काल भगवान मिला था इनको तपस्या के ऊपर, और कबीर परमेश्वर जी अपना रूप छुपा कर आते हैं। ये काल भगवान ज्योत नरेंद्र भी उनको पहचान नहीं पाता, इसलिए तो आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठकवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भारी धानक रूप रहा करतार। ठगवाड़ा यानी किसी को पता नहीं चलने देता, सतलोक में भी यही खुद स्वयं विराजमान है और यहाँ एक दुलाहे के रूप में भी यह स्वयं ही विद्यमान है। उसमें परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप ना रखा था। काल भगवान ने देखा कि जोगजीत यहाँ कैसे आ गया मेरे लोक में, क्योंकि जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था 21 ब्रह्मांड समेत। किस कारण से? कि इसने दुर्गा को, प्रकृति को बुरी नजर से देखा था और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कुचेष्टा की थी। दुर्गा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पेट में शरण ली थी, और परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में आकर के उसके पेट से लड़की को निकाला था और कहा था कि सुन ले आदेश परम पिता का, निकल जा अपने किस ब्रह्मांड को लेकर, ले जा सब प्राणियों को जो तेरे साथ आसक्त होकर आए हैं, यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर चला जा। ऐसा ही हो गया वचन होते ही, तुरंत चल पड़े किस ब्रह्मांड विमान की तरह और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर यहां चक्कर काटने लगे। जब परमात्मा ने देखा कि मेरी प्यारी आत्माओं को बहुत बुरी तरह सता दिया इसने, तब परमेश्वर ने दया आई हमारे ऊपर, यहां हाहाकार मची हुई है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी के छोटे से बच्चे के बाप मर गए, माता भी मर गई, ऐसा जुल्म इसने किया हुआ था, कर ही रखा है। तो परमात्मा ने दया आई और तपस्या के ऊपर 1,00,000 मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, उसमें से गंध निकालता है। तपस्या के ऊपर ये प्राणी तड़फ रहे थे, मटक रहे, तटक मटक हो रहे थे, जैसे खील भूनते हैं। उस समय परमात्मा वहां आकर खड़े हुए। परमात्मा क्या शीतल शरीर है, शीतल परमात्मा के सामने सब ये दुख भाग जाते हैं। वो तपत जो उनको तंग कर रही थी प्राणियों को, वो तपत समाप्त हो गई। तपत जो कि तो जल रही है लेकिन उन प्राणियों को असर नहीं कर रही परमात्मा की कृपा से, वो सब बैठ गए। पहले तो चिल्ला रहे थे, तब देखा परमात्मा को सामने और पूछा, हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा यहाँ का किया हुआ कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी, तुम इस काल भगवान के साथ आगे अपनी गलती से सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने। तब उनको समझ में आई सब प्राणियों को जो तपस्या पर भूने जा रहे थे,
और उन्होंने कहा भगवान हमसे गलती बहुत भारी बन गई, हमें बचा लो मालिक। तो परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे नहीं निकाल सकता तुम्हें, जब तुम जाए धरो जग देहा तब तुम करना मेरे सतनाम स्नेहा। जब तुम यहां से कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो अपने संस्कार वश, और मेरा संत कोई वहां पर इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, इसको पहचान कर और उस सतनाम को प्राप्त कर लेना, तब मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूं। इतनी बातें हो ही रही थी उसी समय ये काल आ गया उनको खाने के लिए रूटीन में। जब परमात्मा ने कहा कि तुम निराकार बताते हो जिस ब्रह्म को, देखो वो आ रहा, ऊंचा माथा, छोटी गर्दन, लंबे दांत, ये है देख अब तुम्हें खाने आ रहा ये। और कहा परमात्मा ने अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी होगी। वो तपतशिला से मालिक ने उड़ा दिए वहां से, वो चले गए अपने संस्कार वश जहां भी उन्होंने जन्म लेना था या नरक में जाना था, पशु बनना था। अब वो काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो आपको हम सबको यहाँ पर घेरे हुए है, उसने देखा कि जोग जीत आज यहाँ कैसे आ गया, इसने मुझे सतलोक से भगाया था, आज इसने गढ़ूंगा कुटूंगा खूब अपना बदला लूंगा, ये मेरे लोक में कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना। इस उद्देश्य से उसने कहा जोग जीत तू यहां किस लिए आया, पहले तो मुझे ये बता तेरे आने का कारण क्या है, पिताजी ने कोई आदेश दिया है तेरे को तो वो बता दे मेरे को, पहले तो वो संदेश सुना दे जो तू लेकर आया है, फिर आज तेरी खैर नहीं, तेरी देही तोड़ूंगा मैं, कुटूंगा तुझे, तूने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, मुझे वहां से निष्कासित किया था। तब परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में खड़े थे कबीर भगवान के, ज्योत निरंजन मैं आदेश पाकर आया हूं परमेश्वर का, यहां पर तूने इन प्राणियों की के दुर्गति कर रखी है, तेरे साथ ये आए थे तूने ऐसा जुल्म तो नहीं करना चाहिए था इनके साथ, कोई कैसे दुखी हो रहा है कोई किसी प्रकार, तो ये क्या कहता है कि मैंने तो परमात्मा के सामने कहा था कोई जो जैसे कर्म करेगा मैं तो वैसा ही फल दे दूंगा भगवान, मैं अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा ने कहा कि तूने ही तो अन्याय करवा रखा सारा, तेरे लोक में न्याय नाम की चीज नहीं, और आदेश है परमात्मा का मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरा भांडा फोड़काऊंगा, कहूंगा ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है, इसलिए तुम्हें मूर्ख बना रहा है, झूठे लालच में लगा रहा है, आज तुम माता पिता कहते हो ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है ये कोठी है, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, तुम्हारा है कौन बोली आत्मा, सोचो समझो कुछ। और परमात्मा ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, उस मंत्र को दूंगा और सब उस मंत्र का जाप करके, दो अक्षर के मंत्र का सतनाम का, धनी होकर के ये फिर वापस आ जाएंगे, तेरे रोके नहीं रुकेंगे। अब काल ने सोचा तेरी तो बात बिगड़गी, ये तो नाश करेगा तेरा, उजाड़ेगा तुझे, कह लाल आंखें कर ली। परमात्मा बता रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जैसे वो मिलते हैं अच्छी आत्माओं को। अब उसने देखा कि तो भाई बात बिगाड़ेगा तेरी, लाल आंखें कर ली और कहने लगा पहले मैं तुझे अभी करता हूं ठीक, जीसे जब जागा ना तुझे जीवित छोड़ूंगा मैं, एकदम मारने के लिए करके लाल आंख विकराल शरीर और कहते मेरी तरफ लपका। और पुण्यात्माओं आपको आगाह करते हैं भगवान, हमें याद दिलाते हैं कि आपत्ति के समय आपने किसी रिलेटिव को याद नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करें और सतनाम का जाप करें। सतनाम ये दो अक्षर का। परमात्मा ने कहा धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया स्वहस से, ऐसे कहते इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया, मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े पैर पकड़े मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई मैं तेरा छोटा भाई,
फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे, ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए, 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्षर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ दिए मेरे, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने, कबीर परमात्मा कहते हैं, और चरण पकड़ कर कहने लगे मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा भाई, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं, छोटे तो गलतियां किया करते हैं, अक्षमाशील हो तुम, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो ना तुम, चापलूसी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा बोल क्या बात है, कि माफ कर दो, कि कर दिया माफ, मुझे कुछ वचन दे दो, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है उनको पूरी कर दो, आप तो परमात्मा के उस शब्द शक्ति से युक्त हो, आदेश लेकर आए हो, आप तो उन्हीं के तुल्य हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने उससे बोला कि बोल क्या चाहता है, कि वचनबद्ध हो जा। मैं वचनबद्ध हो गया, कबीर परमात्मा कहते। इसने क्या कहा कि हे प्रभु, तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हरमोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तब मैंने कहा भी ठीक है, तीन लोकों में थोड़े जीव ले जाएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सुप्रसाद दास कुशवाहा। सर कहाँ से आए हैं आप? सर MP भोपाल। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है 2012 अक्टूबर में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? करते थे सर, राम की और शंकर भगवान की भक्ति करते थे, और हनुमान जी की भी करते थे, और भी माने देवी देवताओं की करते थे। फिर गुरु मिले एक अयोध्या वाले, उनसे नाम लिया हमने राम नाम। उसके बाद में फिर हम गांव में ऐसी स्थिति बनी हमारी, हमने एक कुआं खुदवाया, उसमें हमारा बहुत सारा कर्ज हो गया, स्थिति गड़बड़ हो गई, तो हम वहाँ से मजदूरी करने के लिए भोपाल आ गए। भोपाल आए तो यहाँ मजदूरी करके हमने वहाँ का कर्ज हटाया। इसके बाद में हमें आसाराम जी का पता चला, तो हमने आसाराम जी से नाम दीक्षा ली, तो उनसे भी हमने वही राम भक्त लिया, क्योंकि हम राम भक्त थे हम शुरू से ही। भक्ति करते करते 10-12 साल हो गई हमें, माने कुछ माने कोई समझ में नहीं आया, भक्ति करते रहे मगर स्थिति गड़बड़ होती रही, बीमारी हमारी बढ़ती रही, और उसके बाद में फिर हम उनसे मन हट गया, तो फिर हम मधु परमहंस जी से जुड़ गए। 2 महीना मधु परमहंस जी से की भक्ति करी, इसके बाद में फिर हमारी दुख बीमारी खत्म नहीं हुई थी, वो हम गांव गए तो हमारे वहाँ एक यज्ञ होता है दुर्गा जी के पास, दुर्गा जी का मंदिर है, तो वहाँ एक पंडित मिले, वे कह लगे बेटा तेरे लिए बहुत समस्या खराब है, तू यज्ञ और जाप करवा ले तो हम तेरे सब दुख दालत दूर कर देंगे। तो उस टाइम पे हम बहुत बीमार भी थे, हमारे लिए बहुत सी बीमारी थी सर, मतलब TB भी हो गई बाद में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना और बवासीर में तकलीफ, ये दुनिया भर की बीमारी शरीर में घर कर गई थी। तो पंडित जी ने कहा कि तू हमें संकल्प कर दे तो हम महामृत्युंजय का जाप करवा देंगे तेरा, तो सब बात की सुविधा हो जाएगी। तो सर मैंने उनको माने संकल्प दिया गांव पर, और बस 1 साल के बाद उन्होंने फोन करा कि तेरा जाप पूरा हो गया। तो सर जी जब भी पंडित जी घर पे आए भोपाल में हमारे यहाँ, तो 3-4 पंडित आए, उनने दुनिया भर का ढोंग रोपा हमारे साथ में, और 7 दिन यज्ञ करा और दुनिया भर के खर्च करवाए उनने, और ये खाना वो खाना, ऐसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े चाहिए, मन के कपड़े लिए, सब कुछ मैं करता रहा कि भाई हमारी दुख बीमारी दूर हो जाएगी, इसलिए मैं करता रहा। वो बे लोग 20-25 हज़ार रुपया से दास को उतार के और चले गए, हमारी ना तो बीमारी दूर हुई और ना आर्थिक स्थिति सही हुई। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी एक रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, तो वे बरवा लगाए हुए थे, तो वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक लाए, ज्ञान गंगा पुस्तक ला कर उनने हमें दी, और वो हमने पढ़ी सही तरीका से, उसको जो ज्ञान समझ में आया तो फिर इतना अच्छा लगा,
तो हमने बिल्कुल 8 दिन के अंदर वो पुस्तक पूरी पढ़ ली। फिर अब ऐसे लगा कि अब आप कैसे जाऊं, तो मालिक की ऐसी दया भाई कि उन्होंने 1.5 महीने में कहा कि भाई भगत जी हम जा रहे हैं तुम्हें चलना, तो हमने कहा हाँ भगत जी हम चलेंगे। तो हम चले गए उनके साथ में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। तो जब आश्रम के अंदर गए सर जी, तो हमें वहाँ ऐसे लगा जैसे हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हों, बैकुंठ में आ गए हों, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा हिसाब किताब वहाँ लगा। हमने कहा अब हमारे यहाँ सब माने दुख दूर हो जाएगा और हमारा अब सही उद्धार यहाँ होगा। तो फिर वहाँ पे हमने रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, उसके बाद में फिर आशीर्वाद की लाइन में लग गए। तो आशीर्वाद की लाइन में लगे लगे जब रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया, तो फिर हमें ऐसे लगा जैसे हमारे ऊपर से टनों वजन उतर गया हो, हमारा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। जबकि हम इतने कमजोर इतने बीमार थे कि यहाँ से हमारे जो भक्त ले गए थे हम पे हमारा बैग नहीं चल रहा था, हम अपने मोटर में नहीं चढ़ पाते थे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाते थे। तो वहां से हम जब माने हमारा शरीर उन ऐसे फूल की तरह हो गया रामपाल जी महाराज की दया से आशीर्वाद से कि बिल्कुल जैसे कोई ना रोग हो ना कोई बीमारी हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ तो सर इतने हुए कि दास बता नहीं सकता है, गिना नहीं सकता, क्योंकि याद भूल जाता बड़ापा वक्त है। मतलब फिर भी थोड़े मोटे मोटे लाभ बताता है दास के। मतलब जैसे हमारी सबसे पहले तो ये रोग हमें लगा हुआ था, तकलीफ होती थी, बुखार आना, सर्दी खांसी बुखार आना और हाथ पैरों में दर्द होना। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, टंडन डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें टीबी है। तो फिर हमने कहा सर टीबी का इलाज करिए आप। तो फिर उन्होंने टीबी का इलाज दिया हमें, तो साल भर उन्होंने टीबी का इलाज करा हमने। उसके बाद में रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से हमें पूर्ण आराम मिला। फिर वहां से आके हमने सब दवाइयां बंद कर दी और मंत्र दिए हुए अनुसार हम भक्ति करते रहे। और बवासीर भी था, तो बवासीर को भी बहुत तकलीफ होती थी, खून आता था बार बार में। अभी मैंने वो 3-4 महीना ब्लड आया अभी की बात है। तो फिर हमने प्रार्थना लगाई रामपाल जी महाराज के यहाँ, अरदास लगाई, तो वहां से उन्होंने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो जैसे ही वहां से आशीर्वाद आया तो वो हमारा ब्लड भी परमात्मा की दया से, रामपाल जी महाराज की कृपा से, और ब्लड भी बंद हो गया और अब वो बवासीर भी में आराम लग दे दिया मालिक ने। श्वास की भी बीमारी थी तो उसमें भी रामपाल जी महाराज की दया से भक्ति करते करते वो श्वास की बीमारी भी खत्म हो गई। और ऐसी कृपा भाई रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी कृपा से हम बहुत मजदूरी करते थे भोपाल में आके सर, तो उनकी कृपा से एक ऑटो दे दिया उनकी शरण में जाने से। तो हमारा बच्चा चलाता था ऑटो, उस ऑटो से 2 बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार हमारे भानेज भगत हैं वो, उनको हम ले गए थे बरवाला, तो वो बैठे थे कहीं जा रहे थे दूसरी जगह सामान लेकर, और एक हमारा भाई का लड़का चला रहा था वो। तो मैं ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि बस आगे बस में घला और पीछे से ट्रक लग गया, तो वो उसका दोनों का चकनाचूर होना था। मगर रामपाल जी की कृपा से उन दोनों बच्चों को खरोंच नहीं आई, क्योंकि उसमें सतनामी जाप करने वाला हमारा भांजा था और हमारे भाई ने उस टाइम पर नाम ले लिया था। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, जो कहते हैं जो रामपाल जी शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं, तो जो इंसान ऐसी भक्ति करता है तो उसके बाप के सामने बेटा नहीं मरता और घर में औरत विधवा नहीं होती। तो वो सिद्ध बात वहां हो गई कि हमारा वो भाई का, हमारा भाई नाम ले चुका था तो उसका लड़का चला रहा था ऑटो, तो उसकी भी जान बचाई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और उस भानिज की भी जान बची, दोनों को खरोंच नहीं आई। दूसरी बार में उसी ऑटो से एक बार और एक्सीडेंट हुआ हमारे खुद के बच्चे का, वो चला ले आता तो ऊपर से एक वो पता नहीं क्या लगा, मतलब पूरा जो ऑटो होता है 3-व्हीलर, तो उसके ऊपर गिरा, तो मतलब बगल से गिरा, तो उसके कांच माच सब उसके ऊपर गिर गए हमारे बच्चे के ऊपर, पूरा टुकड़े टुकड़े, और उसके वो बॉडी होती ऊपर की बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो हमारे बच्चे को भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको भी खरोंच नहीं आने दी। ऐसी कृपा करते हैं संत राम सदगुरु रामपाल जी महाराज। और एक बार क्या हुआ कि हमारी जो बहन है खुरई में, तो उनको कैंसर हो गया, तो हमारी जो बहनें हुए हैं वे दुर्गा जी की झांकियां लगाते थे और कट्टर पुजारी थे दुर्गा जी के। तो हम एक बार गए उनके यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक दे के आए, तो उनने ज्ञान गंगा इतना अपमान किया कि चीर फाड़ के उसको फेंक दी। उसके बाद में फिर हमारी बहन को कैंसर हो गया, तो उस भोपाल में यहाँ आके वो कैंसर हॉस्पिटल में गए और उनका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद में उनको जो वो माने उसका बाथरूम का जो जांच थी वो देखे और वे वापस आ गए, वो स्टेशन पर सो गए। हमें पता चला, हमने की के हमने फोन लगाया, हमने की बहन साहब आप कहाँ पर हैं, कहले स्टेशन पर। हमने कहा वहाँ क्या कर रहे, कहले बस सो रहे। हमने की यहाँ क्यों नहीं आके, नहीं आना हमें। तो बस हमने अपनी वो ऑटो पहुँचाया, उनको दोनों को बुलवा लिया
बुलवा के हमने कहा कि भाई देखो अभी भी मान जाओ, संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ, जो सब दुख दूर दूर कर देगा परमात्मा। हमारी बहन बोली कि भैया ये चर्चा मत करो, वे फिर भग जाएंगे यहाँ से। फिर मैंने कही भैया जैसी तुम्हें समझ में आऊंगी सो करो, हमने कुछ नहीं कहा। फिर उनसे सवेरे क्या हुआ, वो रिपोर्ट लेने गए तो रिपोर्ट मिली नहीं भाग से। फिर हम वापस आ गए घर पे, तो फिर उसमें माने हमारे पास में दो चार भगत बैठ जाते हैं जो हमारे साथ में जुड़े थे, और उनके लिए भी बहुत लाभ हुआ। एक खो कैंसर था, पी पाती थी, उसका बंद हुआ। एक खो गले में कैंसर हुआ था यहाँ पे, और वे भगत फिर हमारे संग बैठते थे। तो फिर हमारे बहन वहीं बैठे थे, तो हमने चर्चा करी, उनको सुनाया, बे सुना रहे अपने अपने अनुभव। तो हमारे बहनों को कुछ समझ में आया, तो उनने कहा हमारी बहन से कि ठीक है अब एक काम करो, तुम नाम ले लो, तुम्हारा तुमको बीमारी है। तो हमने कहा तुम नहीं, पूरा घर परिवार सहित रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, जब ये बहुत बड़ी बीमारी जब मिटेगी। तो फिर उन्होंने मतलब हमारी बहन से कहा था, हमने कहा अगर तुम्हें देखो सही होना है तो आज भी तुम प्रमाण इसी वक्त मिल जाएगा आपको। हमने कहा ये काम करो, हमारे घर में जो रामपाल जी महाराज का स्थान बना है उस घर में आप प्रणाम करो लय हाथ। तो हमारी बहन ने आरती का टाइम था, तो उनने प्रणाम करी, आरती सुनी, उसके बाद सत्संग आता है साधना चैनल पे वो देखा, उसके बाद में सो गई। तो उनने बताया नहीं हमें कि हमें क्या लाभ मिला। उनके बाथरूम से रसम आती थी, पीप निकलती थी शुद्ध भाषा में, तो वो लगे हाथ तो उनकी पीप बंद हो गई। दूसरी बात, जब सवेरे रिपोर्ट लेने गए वो लोग, तो साथ में हम भी गए, तो उनको 100% कैंसर था, क्योंकि खुरई से डॉक्टर ने बता दिया था, और उनके उसमें भी था मतलब अंदर गर्भाशय में। तो जब उनने मतलब रिपोर्ट डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो रिपोर्ट जब उनने देखी तो कह लगे नॉर्मल है रिपोर्ट। हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारी बहन को भी बड़ी खुशी और आंसू आ गए बहन के। कह लगे भैया हम जिंदगी भर इनको जी जाखो तुम्हारे, और हमारे देवी जी की पूजा करते हुए, मगर उनने रोग मिटाने की तो क्या, और दुख और ऊपर से दुख आ गया, तो कह ले कोई आराम नहीं मिला। तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से नाम लोगे? हाँ, कह ले बिल्कुल लेंगे। तो फिर सागर में नाम दान था रामपाल जी गुरु जी का, तो फिर हम उनके साथ में सागर लो आ गए उनको, और फिर उनने नाम लिया दोनों पति पत्नी ने और उनके बच्चों ने। तो आज भी मैंने स्वस्थ हो गई ना, वो तो मरने के लायक हो ही गई थी, क्योंकि उनको बहुत भयानक कैंसर हो गया था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया, रोग भी दूर हो गए, और घर की स्थिति भी सही हो गई, ऑटो चल रहा है, बच्चे भी सही तरीका से कमा रहे हैं, और सब बात की सुख चैन से रह रहे हैं रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ऐसा है कि जैसे हम परेशान थे, इसी प्रकार जो भी भक्त आत्मा श्रद्धालु है, वो कोई से भी रोग से ग्रसित होए, तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके और नाम दीक्षा लेके अपना रोग दुख दूर भी करवा सकते हैं और अपना कल्याण भी करवा सकते हैं। दोनों माने फायदा होंगे कि यहाँ जब तक रहेंगे जिंदा, जब तक तो रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत सुख होगा यहाँ पे, और जब अपनी आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ कर जाएगी तो सीधी सतलोक ले जाएंगे पर संत रामपाल जी महाराज विमान में बैठा लेके। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी के सत्संग टीवी चैनल पे आते हैं 7:30 बजे, तो उस पे जो नीचे पीली पट्टी चलती है, और कई चैनलों पे भी आते हैं, उन पे सब पे एक पट्टी चलती है, उस पे फोन नंबर होते हैं, तो उन फोन करके और जहाँ भी नजदीकी आश्रम पड़े आपके यहाँ शहर में, तो वहाँ अपना नाम दीक्षा लेके संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण कराएं और अपना मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद सर। जी सर, सत्साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।